स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज है एकादशी, दिवाली के 11 या 12वें दिन एकादशी पड़ता है, तो आज है एकादशी। और एकादशी के दिन किया जाता है तुलसी विवाह। तो आपको मेरी वीडियो देख के आसपास देख के समझ में आ ही रहा होगा कि मैं कुछ तो करने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा एक छोटा सा ब्लॉग बना के मैं आप लोग के भी साथ शेयर करूँ कि मैं तुलसी का पूजा कैसे करती हूँ। जैसे एक प्रॉपर तरह से तुलसी विवाह किया जाता है, मंडप बनाया जाता है, बहुत सारी तैयारियाँ होती है, जिसके यहाँ होता होगा उसको पता ही होगा। तो मैं दोस्तों प्रॉपर तरह से नहीं बोलूँगी कि मैं विवाह करने वाली हूँ, तुलसी विवाह ऐसा नहीं बोलूँगी, हाँ, पर मैं पूजा प्रॉपर तरह से ज़रूर करूँगी। हर घर में तुलसी की पूजा होती है, तुलसी को जल दिया जाता है, दिया जलाया जाता है। तो जब हर दिन आप पूजा तुलसी का करते हैं, तो आपको एकादशी के दिन, तुलसी विवाह के दिन तुलसी मैया का पूजा तो ज़रूर अच्छे तरह से करना चाहिए। और तो वही मैं करने जा रही हूँ। तो आज मैं देखते थे, ये अभी मैं जस्ट नीचे ठेला वाला आया था, तो जस्ट अभी मैं लेके आई ये तुलसी। एक काली तुलसी है और ये वाली आप लोग देख सकते हैं, ये वाइट वाली तुलसी है, तो ये मैंने पहले से लगा के रखा है, तो मैं अभी ये लेके आई। तो आज के दिन तुलसी का पौधा भी अगर आप लगा रहे हो तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है, लगाना चाहिए। तो तुलसी विवाह है और तुलसी मैया का पौधा को आप अच्छे से सजाए ना, ऐसा हो सकता है क्या? तो आज मैं वही करने, हर साल ही करते हैं हम लोग, तुलसी को अच्छी तरह से डेकोरेट करते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, पूजा करते हैं। तो मैं मेरी तुलसी मैया को लेके आ गई हूँ, देख सकते हैं ये है मेरी तुलसी मैया। और यहाँ ढेर सारा मैंने कलर वलर सब लेके बैठी हूँ। तो मैं इनका जो इनका जो ये पॉट है, गमला, इसे मैं अच्छे से सजाऊंगी, इस पर कुछ अच्छे से लिखूंगी, तो इसे अच्छे से तैयार करूंगी और मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी आज तुलसी विवाह आज मैं क्या करने वाली हूँ। वैसे तुलसी के दिन एकादशी के दिन एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए, पर मैं नहीं रखती हूँ। अभी तक मैंने एकादशी का व्रत उठाया ही नहीं, मेरी बहनें बाकी लोग सब रखते हैं, तो अभी तक मैंने उठाया नहीं। और बहुत सारा व्रत मैं रखती हूँ और थोड़े व्रत मेरे छूट भी गए हैं, क्योंकि अभी दवा वा लेना होता है, पता नहीं क्यों अभी उठना नहीं रह पाती हूँ। तो अभी फिलहाल मैं नहीं उठाई, तो देखूँगी कभी उठाऊँगी जरूर, पर पूजा तो करना बनता है एकादशी के दिन, 11-12 दिया जलाया जाता है, तुलसी विवाह होती है। अभी मेरी बेटी क्लासेस गई है, उसका क्लासेस है, क्योंकि उसका 10th का पढ़ाई है, तो उसको क्लासेस, उसका छुट्टी नहीं है, क्लासेस कंटिन्यू है। और बेटा है पर वो सूट नहीं कर रहा है, उसको बस एक ही दादर ऐसी होता है कि दीदी भाग जाती है, मेरे ऊपर आ जाता है। वैसे भी वो कैमरा बहुत चलाता है, तो मैं ट्राइपॉड के सामने लगा के शूट कर रही हूँ। तो आप लोग को बताऊँगी कि आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ। मेरी बेटी आ जाएगी 4 बजे, तो मैं उससे अच्छा सा तुलसी का रंगोली बनवाऊँगी। और मैंने जहाँ तुलसी का पौधा रखा है वहाँ मैंने अच्छे से धो लिया, अपना घर एकदम से क्लीन कर लिया है, मैं फ्रेश हो गई हूँ, तब जाके मैं ये सब करने जा रही हूँ। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अगर ज़रा से भी अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना आपकी इच्छा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, प्लांट को, ये जो पौधा है, लगा लेती हूँ, इसी में मैं लगा दूँगी अच्छे से। और मैंने पता है, ये देखो मैंने थोड़ी सी मिट्टी भी लेके आई और एक खाद भी मैं लेके आई। तो अगर आप अपने प्लांट में अगर खाद अगर बीच बीच में 15 दिन महीना में डालते हो, क्योंकि ये कीड़े मकोड़ों का खाद है, तो आपके प्लांट हरे भरे रहते हैं और कीड़े भी नहीं लगते हैं। तो ये मैं डालती रहती हूँ, मैं इससे ज़्यादा प्लांट नहीं लगा के रखती हूँ। एक जैस्मिन का पौधा मैंने लगाया है और एक तुलसी का, तो अभी धीरे धीरे करके मैं लगाऊँगी। और यहाँ का मिट्टी जो होता है ना, बहुत ज़्यादा यार चिकनी होता है, चिकनी। तो वीडियो को लंबा नहीं करूँगी, फटाफट करूँगी, और हो सकेगा तो वीडियो को मैं एडिटिंग करते हुए फास्ट फॉरवर्ड कर सकती हूँ, क्योंकि ताकि आप लोग पके ना, कि और भी वीडियो शूट करना है आगे का भी। बाबू बाबू, मैं आपको
बता दी ना मैं आज के दिन मैं अपने प्लांट के साथ तुलसी में तुलसी के साथ सालिग्राम को लेके आई हूँ। बाबू लेके आओ जरा वो जो थैली है ना वाइट कलर का, उसमें ब्लैक कलर का ऐसे पत्थर जैसा होगा वो निकालो। तो पत्थर के स्वरूप में सालिग्राम होते हैं, आपको पूजा की दुकान पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो आप तुलसी मैया की शादी सालिग्राम से ही किया जाता है क्योंकि उनकी शादी सालिग्राम से हुआ था। तो मैं आज ले कल मार्केट गई थी तो मैं लेके आई थी, तो आप लोग को दिखाती हूँ कैसा है। तो ये देखो ये है सालिग्राम जी, देखो ये देखो इस तरह हो, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। इनको मैं ऐसे साथ में अच्छे से रखूँगी शाम को पूजा करते समय, अच्छे से इनको साफ वूफ करके मतलब धूल में अच्छे से। और बाबू देखो बार बार भाग जा रहा है टीवी देखने के लिए। बाबू बाबू अभी फिलहाल दोस्तों मैं वीडियो को यहीं थोड़ी देर के लिए बंद कर देती हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो को ये कर दो पॉज कर दो, यहीं रहो ना भैया, यहीं रहोगे तो मेरे जब तो अब मैं पेंट करने जा रही हूँ, येलो कलर से पेंट करूँगी। पेंट बहुत पुराना है बच्चों लोग का, तो सूख गया है, तो उसमें मुझे पानी डाल डाल के पहले उसे गीला करना पड़ रहा है, फिर उसके बाद कलर हो पाएगा। पहले मैं येलो कलर करूँगी फिर उसके बाद देखती हूँ किस तरह डेकोरेट करूँगी। आप अपने मनपसंद की किसी भी तरह डेकोरेट कर सकते हैं, अच्छे से कलर कर सकते हैं, जितना आप में टैलेंट हो। तो मैं भी मेरा टैलेंट आप लोग को दिखाऊँगी तैयार जब हो जाएगा कि मैंने कैसे कलर किया है। तो इस तरह देख सकते हैं मैं करूँगी, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। देखो पहले पूरा येलो कलर कर लूँगी, इधर दिखाती हूँ तो आपको कलर करके दिखाती हूँ। सिद्धांत तो दोस्तों कलर करना मैं चालू कर दी हूँ, देख सकते हैं कलर सूखने की वजह से मुझे बहुत मेहनत लग रहा है क्योंकि कलर में पानी डाल के पहले उसको गीला करना पड़ता है। पूरा करके फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये मम्मी ने तुलसी का पेंट कर दिया है तुलसी माँ को, और यहाँ पे रंगोली का ड्राइंग कर रही हूँ। यार ऐसे पहले तो मैंने तुलसी ये दिखाई होगी, फिर भी मैं अच्छे से दिखाऊंगी क्योंकि अच्छे से दिखाई नहीं होगी कि मैंने कैसा पेंट किया है तुलसी का अपना और प्लांट मतलब पॉट। और यहाँ मैं तुलसी मैया का ही पौधा बना रही हूँ रंगोली के रूप में दूंगी, और मैं बस डिजाइन कर दे रही हूँ सृष्टि उसकी रंगोली भरेगी, मैं नहीं भरूंगी रंगोली, दीदी तो यही पहनने वाली है, बस मैं थोड़ा सा डिजाइन कर देती हूँ। ठीक रहेगा ना, तो कुछ इस तरह से ही हम बनाने वाले हैं रंगोली। तो ये जब घर जाएगा फिर आपको देखने को मिलेगा कैसा बना हुआ है, अभी बस मैं ड्रॉइंग करके छोड़ रही हूँ। तो आगे आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो रंगोली बना रही थी तो मैं ये पेंट लेके क्या कर रही हूँ ना, जैसे सोच रहे होंगे ना। तो क्या हुआ हमारे हमारे पास ब्राउन कलर का रंगोली बिल्कुल नहीं है, और हमें जो उसका डार होता है वो ब्राउन कलर से करना है, तो इसीलिए मैं उसको पेंट से ब्राउन कलर का, क्योंकि पेंट सारा अवेलेबल है। अब तो मन कर रहा है कि पेंट से ही सारा बना डाले, तो इसीलिए हम डार ब्राउन कलर से पेंट कर रहे हैं, फिर उसके बाद रंगोली करेंगे। तो कैसा लग रहा है ये हमारा टेढ़ा मेढ़ा डार, अच्छा लग रहा है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
तो ये हमारी पूरी रंगोली अच्छे से तैयार हो गई है। तो कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो आगे का वीडियो मैं दूसरे ब्लॉग में पोस्ट करूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। आगे का वीडियो मैं तैयार होकर किस तरह तुलसी विवाह तुलसी मैया का पूजा करती हूँ, वो वीडियो देख अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वीडियो का मैं यहीं डी एंड करती हूँ। मिलती हूँ अपने अगले न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ।